हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रिजवान। आप देख रहे हैं GN मेडिकल चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड 4 mg टैबलेट। दोस्तों, सिप्रोहेप्टाडीन सिरप के बारे में मैंने कई वीडियो डाली हैं पहले से, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। आज हम इस टैबलेट के बारे में बात करेंगे कि इस टैबलेट को किस किस बीमारी में इस्तेमाल करना चाहिए, यानी किस किस डिजीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी डोज यानी खुराक कितनी लेना चाहिए और इसको लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, इस सब के बारे में बात करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस टैबलेट की जानकारी सभी को हासिल हो सके और कोई इसको गलत तरह से इस्तेमाल ना कर सके। और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, सबसे पहले इस टैबलेट के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि इसको किस किस तरह की बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये सिप्लेक्टिन टैबलेट है और सिप्लेक्टिन के ही नाम से मार्केट में ज़्यादातर चलती है, लेकिन इसमें सिप्रोहेप्टाडीन को 4 mg में रखा गया है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि इसको किस किस तरह की बीमारी में इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा भूख बढ़ाने में किया जाता है, यानी भूख को, एपेटाइट को स्टिमुलेट करती है ये टैबलेट। इसके अलावा वज़न बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है, जब आपको ज़्यादा भूख लगेगी, क्योंकि ये भूख स्टिमुलेट करती है, एपेटाइट को स्टिमुलेट करती है, जब आपको भूख ज़्यादा लगेगी तो आप खाना ज़्यादा खाएंगे, और जब खाना ज़्यादा खाएंगे तो शरीर को ज़्यादा लगेगा और आपका वज़न बढ़ेगा, तो ये वेट बढ़ाती भी है। इसके अलावा दोस्तों, ये टैबलेट लीवर को कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंस से बचाती भी है, यानी जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं उनसे लीवर को बचाती भी है, लीवर को प्रोटेक्ट करती है। इसका बहुत शानदार रिजल्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल भूख बढ़ाने में और वज़न बढ़ाने में ही किया जाता है। इसके अलावा और भी इसका कई बीमारियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, इसका इस्तेमाल सीजनल एलर्जीज़ में भी किया जाता है, यानी आपको एलर्जी हुई है, सीजनल जो एलर्जीज़ होने लगती है उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इचिंग वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इचिंग जो होने लगती है बॉडी पे, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार टैबलेट है जो सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि हालांकि मैं सिरप की वीडियो, सिप्रोहेप्टाडीन सिरप की वीडियो भी पहले से अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपको कड़वा लगता है या कोई और प्रॉब्लम है, नहीं करना चाहते इस्तेमाल सिरप का, तो आप इस टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं भूख बढ़ाने के लिए और वज़न बढ़ाने के लिए। इसका बहुत शानदार रिजल्ट है इन दोनों ही बीमारी। बात करें कि इसकी डोज यानी खुराक कितनी लेना चाहिए, तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये 4 mg में टैबलेट है, 4 mg टैबलेट है। इसकी एक एक टैबलेट सुबह शाम आप खाने के कुछ समय बाद इस्तेमाल करें तो इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, भूख भी बढ़ेगी आपकी और आपको आपका वज़न भी बढ़ता दिखाई देगा खाने के कुछ समय बाद, यानी 10-15 मिनट के बाद। आप इसका एक टैबलेट का सुबह और एक टैबलेट का शाम को इस्तेमाल करें। ये एडल्ट्स की डोज है, बच्चों में इसका ऐसे इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। बात करें कि इसको किस तरह के पेशेंट ऐसे इस्तेमाल ना करें, तो दोस्तों जिनको डायबिटीज़ की शिकायत रहती है, यानी शुगर के पेशेंट हैं, तो वो इस टैबलेट का ऐसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा अगर किसी का वेट ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है और वो भूख बढ़ाना चाहता है सिर्फ, तो वो भी ऐसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, पहले हमसे मशवरा लें या फिर अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। क्योंकि इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये वेट बढ़ाती है, तो अगर आपका पहले से वेट बढ़ा हुआ है, वज़न बढ़ा हुआ है, तो आप इसका बिल्कुल भी ऐसे इस्तेमाल ना करें। बात करें कि इसको लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों जब आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नोज़िया हो सकता है। नोज़िया मतलब एक फीलिंग सी आएगी कि वॉमिटिंग होने वाली है, या कई सारे पेशेंट को वॉमिटिंग हो भी जाती है। इसके अलावा ड्राई माउथ रह सकता है आपका, यानी माउथ जो मुँह है आपका सूखा सूखा रह सकता है, और डिजीनेस हो सकता है, आपको हल्का चक्कर सा भी आ सकता है। इसके अलावा हेडेक हो सकता है, अगर आप इसका लंबे समय तक बिना मशवरा लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपको सर में हल्का दर्द रह सकता है, और वीकनेस हो सकती है, आपको मसल्स जो होती हैं आपकी वो कमज़ोर पड़ सकती हैं, तो आप इसका बिल्कुल भी ऐसे इस्तेमाल ना करें। और अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमसे मशवरा ज़रूर लें या अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। और अगर आप सिरप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिरप के लिए भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें, ऐसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो ये दोस्तों इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। ओवरऑल पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों, हमारी बहुत सारी वीडियो पहले से ही हमारे GN मेडिकल चैनल पर अपलोड हैं
और लगभग दोस्तों 170 वीडियो हमारी पहले से अपलोड हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हर तरह की मेडिसिन की जानकारी ले सकते हैं। तो ये दोस्तों इस टैबलेट के बारे में जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।